फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का बैकग्राउंड समझा, बराबर, कि भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्यों आया। अब हमको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट शुरू करना है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के प्रोविजंस क्या हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कानून में लिखा क्या है। अब हम धीरे धीरे करके राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को समझेंगे, बराबर। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट शुरू करने के पहले हमको दो चीजें बहुत ध्यान में रखनी है, है ना। कौन सी दो चीजें? सबसे पहली, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में हम क्या मांगने वाले हैं? हम मांगने वाले हैं इंफॉर्मेशन, बराबर, इंफॉर्मेशन मांगने वाले हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आप किससे मांगोगे? सो फॉर एग्जांपल, आप रिलायंस के पास जाते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बोलते हो कि हम आरटीआई पढ़ के आए हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पढ़ के आए हैं, और हमको ये जानना है कि मुकेश अंबानी की टैक्स कितना पे करते हैं, मुकेश अंबानी टैक्स कितना पे करते हैं, ये हमको जानना है। आप बताओ, हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पढ़ के आए हैं, हमको मालूम है आरटीआई में लिखा हुआ है कि हम क्या मांग सकते हैं, इंफॉर्मेशन। तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमको बताइए मुकेश अंबानी कितना टैक्स पे करते हैं। तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आपको बता देंगे कि मुकेश अंबानी कितना टैक्स पे करते हैं? नहीं बताएंगे। क्यों सर? हमने तो पढ़ा है, हमारे पास राइट है कि हम क्या मांग सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। फिर क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि आरटीआई एक्ट में आप जो इंफॉर्मेशन मांगेंगे वो किससे मांगेंगे? वो इंफॉर्मेशन आपको मांगनी है पब्लिक अथॉरिटी से। किससे? पब्लिक अथॉरिटी से। मतलब आप आरटीआई एक्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन सिर्फ किससे मांग सकते हैं? पब्लिक अथॉरिटी से मांग सकते हैं। जो पब्लिक अथॉरिटी है उसी से आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और वही आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। तो अपन जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे अपन पब्लिक अथॉरिटी का मतलब समझेंगे, ठीक है। तो पहली चीज अपने को क्लियर हो जानी चाहिए कि आरटीआई एक्ट में अपन इंफॉर्मेशन किससे मांग सकते हैं? सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी से मांग सकते हैं। कौन मांग सकता है? सो लेट्स से यूएस का एक पर्सन है ना, यूएस सिटीजन है, यूएस सिटीजन, वो आता है और वो बोलता है मैंने भारत का कानून पढ़ा है आरटीआई, मुझे पब्लिक अथॉरिटी से यह इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या पब्लिक अथॉरिटी वो इंफॉर्मेशन उस यूएस सिटीजन के साथ शेयर करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार सिर्फ दिया गया है इंडियन सिटीजन को। किसको दिया गया है? इंडियन सिटीजन को। सिर्फ इंडियन सिटीजन ही राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, और वो भी किससे मांग सकते हैं? वो मांग सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक अथॉरिटी? पब्लिक अथॉरिटी अगर आप मोटे रूप में समझो, अभी बेसिक के लिए समझ लो, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। एक और बार एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से आपने आरटीआई एक्ट पढ़ लिया, बराबर, आपको पता चल गया कि अब आपके पास एक पावर है, एक अधिकार है। किस बात का अधिकार है? इंफॉर्मेशन मांगने का। आपके पास राइट है इंफॉर्मेशन मांगने का। तो आप आते हो मेरे पास और मुझे बोलते हो बताओ सर आपकी साल की इनकम कितनी है, हमारे पास पावर है, अधिकार है इंफॉर्मेशन जानने का। तो आप आए मेरे पास और आपने बोला बताओ सर आपकी साल की इनकम कितनी है, ये हमको पता करना है। क्या मैं अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा या मना कर सकता हूं? मैं मना कर दूंगा, बिकॉज आई एम नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी। तो पहली चीज, इंफॉर्मेशन कौन मांग सकता है आरटीआई एक्ट में? कौन मांग सकता है इंफॉर्मेशन? मांग सकता है सिर्फ इंडियन सिटीजन। फॉरेन सिटीजन आरटीआई एक्ट में इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकता। किससे मांग सकता है? किससे मांग सकता है? पब्लिक अथॉरिटी से। क्लियर? तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि एक तो पावर इंडियन सिटीजन के पास है इंफॉर्मेशन मांगने का, और वो भी किससे मांगने का? पब्लिक अथॉरिटी से मांगने का। अब अपन इस एक्ट को पढ़ते हैं और धीरे धीरे इसके प्रोविजंस को समझते हैं। क्लियर?
द राइट टू इंफॉर्मेशन इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. याद करिए जब मैंने आपको लॉ पढ़ाया था, एक केस लॉ पढ़ाया था, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का, पढ़ा था अपन ने, बराबर. उसमें अपन ने देखा था आर्टिकल 21 गारंटी देता है राइट टू नो का, देता है राइट टू नो का, क्या देता है, गारंटी देता है, हमको जानने का अधिकार है, हमको इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार है. तो देखिए पहली लाइन क्या बोलती है, द राइट टू इंफॉर्मेशन इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान हमको गारंटी देता है कि हम क्या मांग सकते हैं, इंफॉर्मेशन. However, with a view to set out the practical regime for securing information, the Indian Parliament enacted the Right to Information Act 2005 and thus gave a powerful tool to the citizen to get information from the government as a matter of right. Constitution में तो लिखा था, Article 21 बोलता था, we have a right to know. Article 21 क्या बोलता था? We have a right to know. हमें जानने का अधिकार है, भारत के citizens को, Indian citizen को, क्या है? इंडियन सिटीजन को राइट टू नो है, इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार है, बराबर. लेकिन इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, है ना, इंडियन पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. तो भारत के संविधान में तो लिखा था, लेकिन आपको याद करिए मैंने जब आपको रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड वाला केस पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बोला था कि आर्टिकल 21 में तो लिखा था, लेकिन जब इंफॉर्मेशन मांगने जाते थे तो गवर्नमेंट अथॉरिटी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती थी. तो टू मेक इट इन अ टाइम बाउंड मैनर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक अथॉरिटी लोगों के साथ टाइम बाउंड मैनर में इंफॉर्मेशन शेयर करे, इसके लिए लॉ बनाया गया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. और ये आरटीआई एक्ट के कारण अपने पास एक पावरफुल टूल आया, एक पावर आ गया कि अब अपन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, पब्लिक अथॉरिटी से क्या मांग सकते हैं, इंफॉर्मेशन. दिस लॉ is very comprehensive and covers almost all matters of governance and thus has the widest possibility. ये law बहुत बड़ा है, ये सब तरीके की information को cover करता है. मतलब आप information मांगने गए तो government department ये नहीं बोल सकता, नहीं 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 हम ये information नहीं देंगे. ये law इतना wider है कि वो सारी तरीके की information को cover करता है, ताकि public को, ताकि Indian citizens को हर तरीके की information मिल पाए. Being applicable to the government at all levels, union, state and local, as well as recipients of government grants. चाहे union government हो, union government हो मतलब central government हो, चाहे state government हो या चाहे local government हो, like municipal corporations, किसी भी तरीके की government हो, हर government organization के ऊपर ये law लगता है. हर government organization को public के साथ, Indian citizen के साथ information share करनी पड़ती है. अ सिटीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया आरटीआई में पावर किसके पास है इंफॉर्मेशन मांगने का, इंडियन सिटीजन के पास. अ सिटीजन हैज अ राइट टू सीक सच इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी. इंडियन सिटीजन के पास देखिए क्या है, राइट है, अधिकार है कि वो क्या मांग सकता है, इंफॉर्मेशन मांग सकता है, किससे, पब्लिक अथॉरिटी से, विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी. जो इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी के पास है वो हम उससे मांग सकते हैं, और विच इज हेल्ड अंडर कंट्रोल, जो उसके कंट्रोल में है. मतलब आरटीआई एक्ट क्या बोलता है फ्रेंड्स, आरटीआई एक्ट बोलता है इंडियन सिटीजन के पास, भारत के नागरिक के पास एक राइट है. किस बात का राइट, कि वो पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकता है जो उसके पास है या उसके कंट्रोल में है. दिस राइट इंक्लूड्स इंस्पेक्शन ऑफ वर्क. आप पब्लिक अथॉरिटी का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का वर्क को इंस्पेक्ट कर सकते हो. वर्क को इंस्पेक्ट कर सकते हो मतलब क्या, इंस्पेक्शन ऑफ वर्क मतलब क्या. सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुंबई में मेट्रो बन रही है, कौन बना रहा होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक अथॉरिटी. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मतलब पब्लिक अथॉरिटी, बोले मुंबई में मेट्रो बन रही है. अब आपको जाके देखना है कि ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो पब्लिक अथॉरिटी मेट्रो बना रही है, वो सही बना रही है कि नहीं. You want to inspect that work. Can you do it? Yes. RTI Act आपको power देता है कि public authority जो काम कर रही है, roads बना रही हैं, dams बना रही हैं, bridges बना रही हैं, जो भी काम कर रही हैं, जो भी work कर रही हैं, आप उस work को inspect कर पाओ. Documents and records. Public authority के पास जो documents हैं, जो records हैं,
है ना, बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास रखते हैं, उनको भी जाके आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो उनके वर्क को इंस्पेक्ट कर सकते हो, उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स हैं उसको जाके आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। टेकिंग नोट्स, उनके पास जो इंफॉर्मेशन है, किसके पास, पब्लिक अथॉरिटी के पास जो इंफॉर्मेशन है, आप वो इंफॉर्मेशन को देख के अपने नोट्स बना सकते हो। आपको कुछ लिखना है, उनकी इंफॉर्मेशन में से आप लिख भी सकते हो। एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, आप चाहो तो मान लीजिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए, तो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बोल सकते हो इसकी हमें सर्टिफाइड कॉपीज दो, मतलब जेरोक्स करके दो, फोटोकॉपी करवा के दो। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास, पब्लिक अथॉरिटी के पास, प्लीज रिमेंबर द वर्ड इज पब्लिक अथॉरिटी, मैं आपको समझाने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोल रहा हूं, पब्लिक अथॉरिटी के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड्स हैं तो आप उसकी सर्टिफाइड कॉपीज भी ले सकते हो। एंड टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ द मटेरियल हेल्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी और हेल्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, आप सर्टिफाइड सैंपल्स भी ले सकते हो मटेरियल्स के। अब ये क्या है, सो फॉर एग्जाम्पल मेट्रो बन रही थी तो पब्लिक अथॉरिटी बना रहा होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही बना रहा होगा, बराबर। आपको चेक करना था कि मेट्रो में जो सीमेंट लग रही है वो किस क्वालिटी की है, तो पहले तो आप उनसे बोलोगे वो सीमेंट का हमको सैंपल दो, हम टेस्ट करेंगे। तो क्या आप ये सीमेंट का सैंपल मांग सकते हो? बिल्कुल। पब्लिक अथॉरिटी के पास जो मटेरियल है, आप बोल सकते हो पब्लिक अथॉरिटी को कि आरटीआई एक्ट में हमको इसका सैंपल दिया जाए, हमको चेक करना है कि आप किस क्वालिटी की सीमेंट, किस क्वालिटी के मटेरियल को यूज कर रहे हो। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आरटीआई एक्ट इतना वाइडर बनाया गया कि आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, उस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ओनली सच इंफॉर्मेशन कैन बी सप्लाइड अंडर द एक्ट विच ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड इज हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी और हेल्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। अब मुझे एक बात बताइए, आरटीआई एक्ट में अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? आरटीआई एक्ट में अपन ने पढ़ा कि इंडियन सिटीजन पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकता है। क्या आप पब्लिक अथॉरिटी से वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हो जो उसके पास है ही नहीं? सोच के बताओ, क्या आप पब्लिक अथॉरिटी से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हो जो उसके पास है ही नहीं? अरे जब वो इंफॉर्मेशन उसके पास है ही नहीं तो वो देगा कैसे? तो आरटीआई एक्ट बोलता है आप पब्लिक अथॉरिटी से वही इंफॉर्मेशन मांगोगे जो उसके पास है या उसके कंट्रोल में है। जो इंफॉर्मेशन उसके पास है ही नहीं, वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कैसे? अब फ्रेंड्स, लेट से मान लीजिए कि आपको सीमेंट का सैंपल चाहिए था, बराबर, आपको सीमेंट का सैंपल चाहिए था। चलिए देखते हैं। तो लेट से एक मिस्टर ए है जिसने आरटीआई एक्ट पढ़ लिया, ठीक है, आरटीआई एक्ट पढ़ लिया। इसने बोला मुंबई में जो मेट्रो बन रही है इसमें मुझे क्वालिटी ऑफ सीमेंट चेक करना है, क्वालिटी ऑफ सीमेंट चेक करना है कि कौन सी क्वालिटी की सीमेंट ये लोग यूज कर रहे हैं, बराबर। तो क्या करे मिस्टर ए, बताओ, सोचो जरा, मिस्टर ए क्या करे? सर, मिस्टर ए जाएगा ये मेट्रो के ऑफिस और बोलेगा मुझे सैंपल दो। तो वो ऑफिस में जाके किससे मिले जो उसको ये सैंपल दे दे? भाई मुंबई मेट्रो के ऑफिस में तो बहुत सारे लोग काम करते होंगे ना, तो मिस्टर ए को सैंपल चाहिए सीमेंट का, उसको चेक करना है। तो आरटीआई एक्ट में तो बोला गया है कि अगर आपको सैंपल चाहिए तो आप सैंपल ले सकते हो, बराबर। तो मिस्टर ए जाएगा मेट्रो के ऑफिस, मुंबई मेट्रो के ऑफिस, और वहां जाके बोलेगा कि मुझे सीमेंट का सैंपल दो, आरटीआई एक्ट में लिखा है मैं मांग सकता हूं, तो मुझे सीमेंट का सैंपल दो, मुझे चेक करना है, देना पड़ेगा। तो वो मुंबई मेट्रो के ऑफिस में किससे मिले जो उसको ये सैंपल दे दे? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने हर पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिस में, हर पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिस में एक बंदे को बैठाया, पीआईओ को। किसको बैठाया? पीआईओ को, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इसका फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब आपको अगर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाके किससे मिलोगे? आप मिलोगे फ्रेंड्स पीआईओ से। पीआईओ वो पर्सन है जो आपने जो इंफॉर्मेशन मांगी है वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेगा, बराबर। तो अब याद रखिए
इंडियन सिटीजन को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए किससे, पब्लिक अथॉरिटी से, तो पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिस में जाके किससे मिलेगा, पीआईओ से मिलेगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से मिलेगा। पीआईओ ही वो पर्सन होगा जिसका काम होगा कि जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर की जाए, बराबर। अब फ्रेंड्स, पीआईओ भी दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके। एक होता है सीपीआईओ और एक होता है एसपीआईओ, बराबर। पीआईओ भी फ्रेंड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है सीपीआईओ और दूसरा होता है एसपीआईओ। अब सीपीआईओ मतलब क्या? सीपीआईओ मींस, सीपीआईओ का फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्या है? सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। एसपीआईओ का फुल फॉर्म है स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। फिर से एक बार, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझा होगा तो फिर से एक बार समझेंगे। इंडियन सिटीजन इंफॉर्मेशन मांग सकता है पब्लिक अथॉरिटी से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। अब वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके किससे मिले जो उसके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करे? तो उसको मिलना होगा पीआईओ से, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से, ठीक है। अब पीआईओ भी होते हैं दो तरीके के, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब ये दो तरीके के हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में गए हो तो मिलना है सीपीआईओ से। किससे मिलोगे? सीपीआईओ से, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में गए हो, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में, तो वहां बैठा होगा एसपीआईओ, आप उससे मिलोगे और वो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। क्लियर हो गया? तो सीपीआईओ सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कौन बैठेगा? सीपीआईओ बैठेगा, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में कौन बैठेगा? एसपीआईओ, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। तो इंट्रोडक्शन में एक चीज अपने को क्लियर हो जानी चाहिए। एक तो कौन मांगेगा इंफॉर्मेशन? इंडियन सिटीजन मांगेगा। किससे मांग सकते हो? पब्लिक अथॉरिटी से मांग सकते हो, मतलब जो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है वो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। पब्लिक अथॉरिटी में भी जाके किससे मिलोगे? पीआईओ से मिलोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में गए होगे तो सीपीआईओ से मिलोगे, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में गए होगे तो एसपीआईओ से मिलोगे। क्लियर? आगे, द पीआईओ इज नॉट सपोज टू क्रिएट इंफॉर्मेशन और टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन और टू सॉल्व द प्रॉब्लम रेज्ड बाय द एप्लीकेंट और फर्निश रिप्लाइज टू हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। आपने पीआईओ से जो इंफॉर्मेशन मांगी है, पीआईओ का काम है वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना। वो खुद से कोई इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा। मतलब जो इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, जो इंफॉर्मेशन उस पब्लिक अथॉरिटी के पास है, पीआईओ का काम है वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दे। अगर इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपने कोई ऐसी चीज मांग ली, आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांग ली जो उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है ही नहीं, तो क्या पीआईओ मन से कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है क्या? नहीं। तो पीआईओ हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। जो इंफॉर्मेशन उसके पास है, जो इंफॉर्मेशन उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेगा। क्लियर? तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन 1 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, बराबर। सेक्शन 1 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट देखते हैं फ्रेंड्स। सेक्शन 1 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या बोलता है? सबसे पहले सेक्शन 1 ऑफ आरटीआई बोलता है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। मतलब आरटीआई एक्ट पूरे भारत में लगता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में जाके कोई इंफॉर्मेशन मांगते हो तो आपको मना कर दिया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में लॉ एप्लीकेबल नहीं है, बाकी पूरे भारत में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, नीचे वेस्ट बंगाल, उसके बाद आपने तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, कोई भी स्टेट में जाके आप इंफॉर्मेशन मांगो सब मिलेगी। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अगर आपने इंफॉर्मेशन मांगी तो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी। इट इज एप्लीकेबल, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब ये एक्ट एप्लीकेबल कब से हुआ? तो आपको पता है एक्ट बनने के पहले कोई चीज क्या कहलाती है? बिल कहलाती है। तो आरटीआई बिल, राइट टू इंफॉर्मेशन बिल, जब किसी चीज को आपको लॉ बनाना है तो लोकसभा से पास होता है,
राज्यसभा से पास होता है और फिर प्रेसिडेंट के साइन लगते हैं। लोकसभा ने आरटीआई को पास किया था 11 मई 2005 को, बराबर, कब पास किया था, 11 मई 2005 को। राज्यसभा से आरटीआई पास हुआ 12 मई 2005 को, बराबर, 11 मई 2005 को किसने पास किया, लोकसभा ने पास कर दिया आरटीआई को, आरटीआई बिल को। राज्यसभा से पास हुआ 12 मई 2005 को, उसके बाद किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट इस पे साइन करेंगे, प्रेसिडेंट ने साइन किए 15 जून 2005 को। तो 11 मई 2005 को लोकसभा से पास हुआ, 12 मई 2005 को राज्यसभा से पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए गया, प्रेसिडेंट ने कब साइन किए, 15 जून 2005 को, और फाइनली ये लॉ भारत में एप्लीकेबल हुआ 12 अक्टूबर 2005 से। तो पहले लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने इस पर साइन किया और फाइनली ये लॉ बन गया, और ये लॉ को भारत में एप्लीकेबल किया गया 12 मई 2005 से। पूरे भारत में ये लॉ लगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, बराबर। चलिए अब थ्योरी पढ़ लेते हैं। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप कोई इंफॉर्मेशन मांगते हो तो आपके साथ शेयर नहीं करेगी पब्लिक अथॉरिटी। द एक्ट प्रोवाइड फॉर सेटिंग आउट अ प्रैक्टिकल रिजीम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। अब ये क्या है, इस एक्ट के थ्रू इंडियन सिटीजन, बराबर, इस एक्ट के थ्रू कौन, इंडियन सिटीजन क्या मांग सकता है, इंफॉर्मेशन मांग सकता है। इस एक्ट के थ्रू इंडियन सिटीजन क्या मांग सकता है, इंफॉर्मेशन मांग सकता है, किससे, पब्लिक अथॉरिटी से। अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझिए। लेट से कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो बोलता है हमने एक रोड बनाई और रोड बनाने में 100 करोड़ रुपए खर्च हुए, ठीक है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक अथॉरिटी है, वो बोलती है कि हमने एक रोड बनाई है और रोड बनाने में कितने पैसे खर्च हुए, 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सही में 100 करोड़ रुपए खर्च हुए या कम हुए, और ये ज्यादा बता रहे हैं ताकि करप्शन हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है हुआ होंगे 80 करोड़ 80 करोड़ से खर्च हुए होंगे, बराबर, डिपार्टमेंट बोल रहा है हमने 100 करोड़ खर्च किए, एक्चुअल में हो सकता है 80 करोड़ ही खर्च हुए और 20 करोड़ का करप्शन हो गया, 20 करोड़ लोगों ने खा लिए, बराबर। अब एक बात बताइए, अब ये लॉ है आपके पास, आप उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बोलोगे हमारे को सारे खर्चों के बिल बताओ, 100 करोड़ खर्च हुए ना, तुम बोल रहे हो कि 100 करोड़ खर्च हुए, अब हमें बिल बताओ। जब एक्चुअल में खर्चा ही 80 करोड़ का हुआ होगा तो आपको बिल भी कितने के मिलेंगे, 80 करोड़ के ही मिलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि 20 करोड़ का करप्शन हुआ है। तो ये लॉ के आने के बाद पब्लिक अथॉरिटीज की वर्किंग में देखो ट्रांसपेरेंसी आ गई, अब उनसे कुछ छुपा नहीं है, अब वो कुछ छुपा ही नहीं सकते, क्योंकि लोगों के पास पावर है कि हम कभी भी आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी आ गई एंड अकाउंटेबिलिटी आ गई, हर पब्लिक अथॉरिटी की वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ गई, अब वो झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि झूठ बोलेंगे और आपने पेपर मांग लिए तो आपको पता चल जाएगा कि देखो ये तो झूठ बोल रहा है, बराबर। तो आरटीआई एक्ट फ्रेंड्स इतना पावरफुल लॉ है जिसके कारण अब पब्लिक अथॉरिटीज डरती है झूठ बोलने से, क्योंकि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बोला हाँ 100 करोड़ लग गए रोड बनाने में, मैंने बोला खर्चों के बिल दो, अब बिल तो 80 करोड़ के ही होंगे, तो मुझे पता चल जाएगा देखो 20 करोड़ का इन्होंने करप्शन किया है, पैसे कहाँ हैं। तो पब्लिक अथॉरिटी की वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी आ गई, अकाउंटेबिलिटी आ गई, अब वो झूठ नहीं बोल सकते, बराबर। एज पर सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 22 ऑफ आरटीआई एक्ट क्या बोलता है, इट हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ अदर लॉज इन एज मच एज द प्रोविजंस ऑफ आरटीआई एक्ट वुड हैव इफेक्ट नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विद कंटेन इन द ऑफिशियल गैजेट एक्ट एनी अदर लॉ फॉर द टाइम वी इनफोर्स और इन एनी इंस्ट्रूमेंट हैविंग इफेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ एनी लॉ। सेक्शन 22 फ्रेंड्स बोलता है आरटीआई एक्ट ओवरराइड करेगा एनी अदर लॉ को, मतलब क्या हुआ, ओवरराइड करेगा एनी अदर लॉ को। सेक्शन 22 बोलता है आरटीआई एक्ट का कि आरटीआई एक्ट ओवरराइड करेगा एनी अदर लॉ को, मतलब दूसरे लॉज में क्या लिखा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, दूसरे कानूनों में, इनकम टैक्स एक्ट में,
सेबी एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, बाकी किसी कानून में कुछ भी लिखा हो, आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट विल ऑलवेज प्रिवेल. सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा. अब आप इंफॉर्मेशन मांगने गए तो आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि सेक्शन 22 क्या बोलता है आरटीआई एक्ट का, दूसरे कानूनों में क्या लिखा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, आरटीआई एक्ट विल प्रिवेल. और आरटीआई एक्ट प्रिवेल करेगा मतलब इंफॉर्मेशन मिलेगी. क्लियर हो गया? तो एक और बात, मान लीजिए इनकम टैक्स एक्ट बोलता है, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक अथॉरिटी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा, ये लिखा है इनकम टैक्स एक्ट में. आरटीआई एक्ट बोलता है पब्लिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप क्या मांग सकते हो? इंफॉर्मेशन मांग सकते हो. अब आप गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि हमको ये इंफॉर्मेशन दी जाए. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मना करेगा कि आपको देना ही पड़ेगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी ही पड़ेगी, मना नहीं कर सकता. क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि आरटीआई एक्ट बाकी सब कानूनों को ओवरराइड कर जाता है. मतलब किसी कानून में ये लिखा भी है कि इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी, फिर भी आरटीआई एक्ट प्रिवेल करेगा और आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी. क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन वन अपना हो गया. अब ये केस लॉ तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, आर्टिकल 21 भी मैं आपको बता चुका हूं कि राइट टू नो आया था, इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको पढ़ा दिया था. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर इफेक्चुएटिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी मैं आपको बता चुका था. क्लियर? कि इंफॉर्मेशन शेयर करना अधिकार है, पब्लिक को इंफॉर्मेशन मांगना अधिकार है, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 ऑलरेडी अपन रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के केस में समझ चुके हैं. द राइट टू इंफॉर्मेशन बिल वॉज पास बाय लोकसभा ऑन 11 मई 2005. ये अपन ने देखा कि राइट टू इंफॉर्मेशन बिल जो था वो लोकसभा ने पास किया था 11 मई 2005 को, फिर ये राज्यसभा से पास हुआ 12 मई 2005 को, और फाइनली प्रेसिडेंट ने साइन किए June 15, 2005 को. बराबर? मैंने आपको ये सेक्शन वन में पढ़ा चुका है. और फाइनली ये इंडिया में एप्लीकेबल कब से हुआ? एप्लीकेबल कब से हुआ? अगर आपसे कोई बोले कि आरटीआई एक्ट भारत में कब से लगा तो क्या बताओगे? 12 अक्टूबर 2005 से. एप्लीकेबल कब से हुआ? 12 अक्टूबर 2005 से. प्रेसिडेंट ने साइन तो कर दिए थे, प्रेसिडेंट ने साइन कब कर दिए थे? 15 जून 2005 को, लेकिन एप्लीकेबल करा 12 अक्टूबर 2005 से. क्लियर? अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाट वाज द रीजन गवर्नमेंट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्यों लाया? ये तो आपको बनना चाहिए. तीन मेन कारण थे, तीन बहुत बड़े कारण थे, तीन बहुत बड़े रीजन थे जिसके कारण भारत में आरटीआई एक्ट लाया गया. पहला, टू एम्पावर द सिटीजंस. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आने के बाद भारत के नागरिक को, इंडियन सिटीजन को पावर आ गया. किस बात का पावर? कि वो पब्लिक अथॉरिटी से क्या मांग सकते हैं? इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं. पहली चीज, आरटीआई एक्ट से इंडियन सिटीजन को पावर दिया गया, टू एम्पावर दी सिटीजन. क्योंकि इंडियन सिटीजन पब्लिक अथॉरिटी से अब किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, तो मुझे बताओ करप्शन कम होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि उनके काम में, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी के काम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी. अब उनको सब चीजें ट्रांसपेरेंट होकर करनी पड़ेंगी. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अब झूठ नहीं बोल सकता, ट्रांसपेरेंट वे में काम करेगी. कोई रोड बनाने में अगर 80 करोड़ 80 करोड़ खर्च हुए हैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा 80 करोड़ खर्च हुए. अगर 100 करोड़ बोल दिया और आपने बोला बिल बताओ तो पता चल जाएगा. तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक अथॉरिटी की वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, और क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी तो करप्शन भी कम हो जाएगा. तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाने के पीछे तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स, चलिए रिपीट करेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाने के पीछे तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स. पहला ऑब्जेक्टिव, टू एम्पावर दी सिटीजंस, भारत के नागरिक को पावर देना कि वो पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग पाए. दूसरा, क्योंकि अब मैं पब्लिक अथॉरिटी से क्या मांग सकता हूं? इंफॉर्मेशन मांग सकता हूं, तो वो झूठ नहीं बोलेगा, उसकी वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहेगी. और तीसरा, इसके कारण करप्शन कम हो जाएगा. बराबर? तो इंट्रोडक्शन पार्ट में फ्रेंड्स आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. एक तो इंफॉर्मेशन कौन मांग सकता है? इंडियन सिटीजन.
किससे मांग सकता है? पब्लिक अथॉरिटी से। पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिस में आप किससे मिलोगे? पीआईओ से। पीआईओ कितने तरीके के? सीपीआईओ और एसपीआईओ, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा तो सीपीआईओ बैठा होगा, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा तो एसपीआईओ बैठा होगा। फॉर एग्जाम्पल रेलवे में, रेलवे से आपने कोई इंफॉर्मेशन मांगी, नाउ रेलवे इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आप मांग सकते हो बिल्कुल। वहां किससे मिलोगे? सर रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो हम मिलेंगे सीपीआईओ से, बराबर। सिमिलरली आपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कोई इंफॉर्मेशन मांगी, इलेक्ट्रिसिटी जो आपके और मेरे घर में बिजली पहुंचाता है, बराबर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बिल्कुल मांग सकते हो इंफॉर्मेशन। किससे मिलोगे? एसपीआईओ से, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, क्लियर। अब उसके बाद ये कानून क्या पूरे भारत में लगता है? बिल्कुल लगता है, लेकिन एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में ये कानून नहीं लगता। ये कानून लाने के पीछे तीन मेन कारण, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज लॉज? पहला, टू एम्पावर द सिटीजंस, भारत के नागरिक को क्या दिया जाए? अधिकार दिया जाए कि वो पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सके। क्योंकि आप और मैं अब पब्लिक अथॉरिटी से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, तो क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट झूठ बोलेगा? नहीं, उसकी वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहेगी। और क्योंकि उसकी वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहेगी, वो झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए करप्शन भी कम हो जाएगा, बराबर, टू कंट्रोल करप्शन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यहां तक क्लियर हुआ? ऑब्जेक्टिव्स एक बार देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, पहला, टू एम्पावर दी सिटीजंस, भारत के नागरिक को क्या देना? पावर देना कि वो पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग पाए। क्योंकि इंफॉर्मेशन मांग सकते हो तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, है ना, इन दी वर्किंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी की वर्किंग में क्या जाएगी? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। और क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी की वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, झूठ नहीं बोल पाएगा, तो कंट्रोल करप्शन, करप्शन भी कम हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, अपन ने इंट्रोडक्शन तो समझ लिया कि इंडियन सिटीजन इंफॉर्मेशन मांग सकता है, पब्लिक अथॉरिटी से मांग सकता है, पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिस में जाके आपको पीआईओ से मिलना है, या तो सीपीआईओ से मिलना है, या तो एसपीआईओ से मिलना है, बराबर, यहां तक अपने को क्लियर हो गया। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक अथॉरिटी? पब्लिक अथॉरिटी मतलब क्या? चूंकि आरटीआई एक्ट का एक बेस है, बेस ये है कि इंफॉर्मेशन वही शेयर करेगा जो पब्लिक अथॉरिटी है। अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट में चले गए जो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो वो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं करेगा। क्योंकि आरटीआई एक्ट एक रूल पे चलता है। किस रूल पे चलता है? कि इंफॉर्मेशन वही शेयर करेगा, इंफॉर्मेशन वही शेयर करेगा जो पब्लिक अथॉरिटी है। अगर पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो वो आप लाख सर पटक लो, वो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। तो पहले तो हमें यह पता होना कि पब्लिक अथॉरिटी यानी क्या। चूंकि इंफॉर्मेशन मांगने तो हम किसके पास जाएंगे? पब्लिक अथॉरिटी के पास। तो फ्रेंड्स, पब्लिक अथॉरिटी वर्ड को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ आरटीआई एक्ट में 2005। फ्रेंड्स, पब्लिक अथॉरिटी वर्ड को कहां किया गया डिफाइन? सेक्शन 2 क्लॉज एच में। सेक्शन 2 क्लॉज एच of RTI Act defines public authority, very important definition, exam में पूछी जाती है। तो information मांगने आपको किसके पास जाना है? Public authority के पास जाना है। लेकिन ये तो पता हो ना कि public authority कौन है, बराबर। मैं Reliance के पास चला गया, बताओ मुकेश अंबानी कितना टैक्स भरते हैं? क्या Reliance information शेयर करेगी? अगर Reliance public authority होगी तो शेयर करेगी, नहीं होगी तो नहीं करेगी। मान लीजिए आपने ICSI के आपने एग्जीक्यूटिव का पेपर दिया, बराबर, एक पेपर में आपको कम मार्क्स आ गए, ठीक है, ICSI का आपने पेपर दिए एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 के, एक पेपर में आपने कम मार्क्स आ गए, रिजल्ट आया, आपने बोला यार ये तो ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे, कम मार्क्स मिले। आप गए ICSI के पास और आपने बोला मैंने RTI पढ़ा है, राइट टू इंफॉर्मेशन, मुझे जानने का अधिकार है, आप मुझे मेरी मार्क्सशीट दिखाओ, आंसर शीट दिखाओ, आप मुझे मेरी आंसर शीट दिखाओ, मुझे ये जानना है कि मैंने कहां गलती करी, कहां सही किया। क्या ICSI आपकी आंसर शीट आपके साथ शेयर करेगी? क्या लगता है आपको, क्या ICSI
राइट टू इंफॉर्मेशन में, आरटीआई में आप जाके क्या बोल रहे हो, हमने आरटीआई एक पढ़ा है, आई हैव अ पावर, आई हैव अ राइट टू नो द इंफॉर्मेशन। आप मुझे मेरी आंसर शीट दिखाओ कि कहां मैंने, कौन से आंसर मैंने गलत किए, कौन से आंसर मैंने सही किए। क्या आईसीएसआई आपके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करेगी, क्या आपकी आंसर शीट वो शेयर करेगी? तो अगर आईसीएसआई पब्लिक अथॉरिटी होगी तो शेयर करेगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। मतलब आरटीआई एक्ट बोलता है फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन कौन शेयर करेगा, जो पब्लिक अथॉरिटी है। और पब्लिक अथॉरिटी डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज एच में, कैसे देखो, पब्लिक अथॉरिटी मींस एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड। पब्लिक अथॉरिटी मींस एनी अथॉरिटी, किसी भी तरीके की अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी मींस एनी अथॉरिटी, किसी भी तरीके की अथॉरिटी, कोई भी बॉडी या कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस मतलब पंचायत, पंचायत जो होती है ना गांव में पंचायत, वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस होती है। Established or constituted by or under the constitution. अगर constitution of India के under में कोई authority body या institution बनाया गया है, अगर constitution of India के through कोई institution, कोई body, कोई authority बनाई गई है, तो वो public authority है। तो ऐसा कौन सी body है जिसको constitution of India ने बनाया? सर पंचायत। पंचायत के बारे में कहां लिखा है? भारत के संविधान में। सर प्रेसिडेंट ऑफिस, गवर्नर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये सब ऑफिसेस के बारे में कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कोई बॉडी, कोई इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है, तो वो पब्लिक अथॉरिटी कहलाएगी। सर सुप्रीम कोर्ट, सर हाई कोर्ट, बराबर, ये सब क्या है? पब्लिक अथॉरिटी है, चूंकि इनको किनने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो कोई भी बॉडी इंस्टीट्यूशन, बराबर, कोई भी बॉडी इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटी को किसने बनाया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, तो वो पब्लिक अथॉरिटी, आप उससे इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। आप बोलते हो सर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाया, आईसीएसआई के बारे में तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ नहीं लिखा। तो बाय एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू कोई बॉडी बनाई गई है, कोई इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, कोई एसोसिएशन बनाया गया, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी है। तो पहला, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू कोई अथॉरिटी, बॉडी या इंस्टीट्यूशन बनाया गया, तो वो पब्लिक अथॉरिटी है। दूसरा, अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना के कोई बॉडी, इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन बनाया, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल आईसीएसआई, पार्लियामेंट ने लॉ बना के आईसीएसआई बनाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बराबर, पार्लियामेंट ने लॉ बनाकर अगर किसी बॉडी इंस्टीट्यूशन को बनाया है, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी कहलाएगा। तो या तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया हो, या तो पार्लियामेंट ने बनाया हो, या फिर बाय एनी अदर लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। आप बोलते हो सर कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाया, आप बोलते हो सर पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट ने किसी बॉडी को बनाया, किसी इंस्टीट्यूशन को बनाया, किसी एसोसिएशन को बनाया, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी कहलाएगा। तो या तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया हो, फॉर एग्जाम्पल गवर्नर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस। दूसरा, अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना के किसी बॉडी, इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन को बनाया, फॉर एग्जाम्पल आईसीएसआई, आईसीएआई, आरबीआई, सेबी, एसबीआई। तीसरा, अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना के बनाया हो, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किसने बनाया? स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बना के बनाया। स्टेट ट्रांसपोर्ट्स चलती है ना आपकी, स्टेट ट्रांसपोर्ट्स जो बसेस चलती हैं, उसको भी कौन ने बनाया? स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बना के बनाया। या फिर बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन इशू किया हो या ऑर्डर निकाला हो कि भैया ये अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी कहलाएगी। फोर्थ क्या बोलता है? चलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाया, पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, स्टेट लेजिस्लेचर ने नहीं बनाया, लेकिन अगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन या ऑर्डर निकालती है और बोलती है ये अथॉरिटी आज से पब्लिक अथॉरिटी, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी कहलाएगी। तो पब्लिक अथॉरिटी को फ्रेंड्स डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज एच में, किसी भी तरीके की बॉडी, किसी भी तरीके का एसोसिएशन, किसी भी तरीके का इंस्टीट्यूशन, बराबर, जो किसने बनाया, या तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया, या तो फिर पार्लियामेंट ने लॉ बना के बनाया, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना के बनाए, या फिर
गवर्नमेंट ने ऑर्डर या नोटिफिकेशन निकाल के बनाया है कि भाई ऑर्डर या नोटिफिकेशन निकाल दिया आज से अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी, तो भी वो डिपार्टमेंट क्या कहलाएगा, पब्लिक अथॉरिटी कहलाएगी। क्लियर। इसके अलावा एंड इंक्लूड्स, तो ये चार के अलावा और कोई भी पब्लिक अथॉरिटी कहलाता है। कौन? बॉडी ओन्ड कंट्रोल्ड एंड सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। अगर किसी बॉडी को ओन करता है ना, कंट्रोल करते हैं या सब्सटेंशियली फाइनेंस करती है गवर्नमेंट, मतलब पैसा भी गवर्नमेंट देती है किसी भी तरीके की बॉडी को, अगर किसी भी तरीके की बॉडी को अगर गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या गवर्नमेंट पैसा देती है कि हम पैसा दे रहे हैं आप चलाओ, तो भी वो पब्लिक अथॉरिटी है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अगर कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है, सब्सटेंशियली फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन उसको पैसा कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है लेकिन पैसा गवर्नमेंट देती है चलाने के लिए, तो भी वो अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटीज कहलाएगी। सो आप देखिए, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कोई एनजीओ है, मान लीजिए है ना, कोई एनजीओ है, उसको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं लेकिन गवर्नमेंट पैसा दे रही है कि हम पैसा दे रहे हैं और ये एनजीओ चलेगा, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी कहलाएगी। क्लियर। तो अब देखिए वापस, इंफॉर्मेशन मांगने आप किसके पास जाओगे, पब्लिक अथॉरिटी के पास जाओगे। पब्लिक अथॉरिटी डिफाइन कहा है, सेक्शन 2 क्लॉज एच में। कैसे डिफाइन किया गया? किसी भी तरीके का इंस्टीट्यूशन, किसी भी तरीके का बॉडी, किसी भी तरीके का अथॉरिटी, जो किसने बनाया हो, पहला बोलो कौन ने बनाया हो, कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा पार्लियामेंट ने लॉ बना के, तीसरा स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना के, या चौथा किसी गवर्नमेंट ने अगर ऑर्डर या नोटिफिकेशन निकाला है कि ये आज से पब्लिक अथॉरिटी करेगी। इसके अलावा एंड इंक्लूड्स, बॉडी ओन्ड कंट्रोल्ड और फाइनेंस्ड, अगर किसी बॉडी को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, ओन करती है गवर्नमेंट या फाइनेंस करती है गवर्नमेंट, तो भी वो पब्लिक अथॉरिटी कहलाएगी। या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पैसा कौन देती है, गवर्नमेंट देती है, कि गवर्नमेंट से पैसा आता है उस ऑर्गेनाइजेशन के पास बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए, तो भी वो अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी कहलाएगी। और इस अथॉरिटी से आप क्या मांग सकते हो, इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। क्लियर। अब पब्लिक अथॉरिटी के पास आप फ्रेंड्स क्या मांगने जाओगे, क्लियर। ये पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन अपन ने देख ली, सेक्शन 2 क्लॉज एच, ठीक है। पब्लिक अथॉरिटी के पास आप क्या मांगने जाओगे फ्रेंड्स, पब्लिक अथॉरिटी के पास आप मांगने जाओगे इंफॉर्मेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन, पब्लिक अथॉरिटी के पास तो आप मांगने जाओगे इंफॉर्मेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वर्ड को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज एफ में। क्या मांग सकते हो? इंफॉर्मेशन मींस मटेरियल इन एनी फॉर्म, मतलब पब्लिक अथॉरिटी के पास अगर कोई भी मटेरियल है किसी भी तरीके का, मटेरियल इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके का मटेरियल, इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, चाहे उनके पास रिकॉर्ड्स हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे मेमोज हो। अब मेमोज क्या होते हैं, उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है ना, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स जो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को लिखता है, दैट इज कॉल्ड मेमोज। ईमेल्स हो, अगर पब्लिक अथॉरिटी के पास कोई ईमेल है, कोई ओपिनियन लेटर है, उन्होंने कोई ओपिनियन लेटर है उनके पास, कोई एडवाइस ली थी किसी के पास, उसका डॉक्यूमेंट है, कोई प्रेस रिलीज है, होती है ना, देखो गवर्नमेंट जब भी कोई पब्लिक को बताना पाती है तो प्रेस रिलीज निकालते, वो हो। कोई सर्कुलर हो, कोई ऑर्डर हो, कोई लॉग बुक्स हो। अभी लॉग बुक्स क्या होता है, लॉग बुक्स क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अभी तो पूरे कंप्यूटर्स आ गए, तो कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर में जाती होगी, दूसरे से तीसरे में, मतलब शेयर्स होती होंगी इंफॉर्मेशन, तो वो इंफॉर्मेशन किस किस के पास गई, वो लॉग बुक मेंटेन होती है। मतलब एक कंप्यूटर में अगर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और वो इंफॉर्मेशन उस कंप्यूटर से किन किन कंप्यूटर्स में गई है, उसकी एक पूरी बुक मेंटेन होती है ऑटोमेटिक, ऑनलाइन अपने आप वो कंप्यूटर मेंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड लॉग बुक, वो भी मांग सकते हो। कोई कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, अगर पब्लिक अथॉरिटी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था उसकी कॉपी, कोई रिपोर्ट है उनके पास, कोई पेपर्स हैं उनके पास, कोई सैंपल्स हैं, जैसे मैंने बोला था मान लीजिए सीमेंट का टेस्टिंग है तो आप वो सैंपल भी मांग सकते हो, कोई मॉडल उन्होंने रेडी किया है, कोई भी तरीके का डेटा, कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो जरूरी नहीं है रजिस्टर में लिखी हो,
अगर कंप्यूटर में भी लिखी हुई है तो आप वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। सो सबसे पहले अपन ने देखा इंफॉर्मेशन मांगने किसके पास जाओगे, पब्लिक अथॉरिटी के पास जाओगे, बराबर। पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन अपन ने देख ली सेक्शन 2 क्लॉज एच में, क्या मांगोगे, इंफॉर्मेशन मांगोगे। और इंफॉर्मेशन के नाम पर फ्रेंड्स आप क्या क्या मांग सकते हो, आप मांग सकते हो रिकॉर्ड्स, कि चलो तुम्हारे रिकॉर्ड्स दो हमें, हमें देखना है। तो आप रेलवे में जाके बोल सकते हो हमें रिकॉर्ड्स दिखाओ, कोई तरीके का डॉक्यूमेंट, किसी भी तरीके का ओपिनियन, किसी भी तरीके की एडवाइस, मतलब अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, पब्लिक अथॉरिटी ने कोई ओपिनियन लिया था किसी एक्सपर्ट से, कोई एडवाइस ली थी, आप वो भी मांग सकते हो कि वो ओपिनियन जो तुमने लिया था ना वो बताओ। किसी तरीके का सर्कुलर, कोई ऑर्डर, कोई मेमो, कोई प्रेस रिलीज, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कोई ऑर्डर निकाला था, अगर कोई सर्कुलर निकाला था, उनका कोई इंटरनल मेमो था, एक एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉय को लिखा था, या कोई प्रेस रिलीज निकाली थी, वो भी मांग सकते हो। किसी तरीके का ईमेल, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास, पब्लिक अथॉरिटी के पास कोई ईमेल की कॉपी है, आपको चाहिए वो ईमेल की कॉपी हमें देखनी है, वो भी देगा वो। कोई भी डेटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर कोई इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है मतलब क्या, कंप्यूटर में स्टोर्ड है, पेन ड्राइव में स्टोर्ड है, फ्लॉपी में है, डिस्क में है, सीडी में है, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन भी आप मांग सकते हो। किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक अथॉरिटी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, वो भी मांग सकते हो। लॉग बुक्स, मैंने आपको बताया लॉग बुक्स क्या होती है, एक कंप्यूटर से कितने सारे कंप्यूटर्स में वो इंफॉर्मेशन शेयर की गई, उसकी एक ऑटोमेटिक लॉग बुक मेंटेन करता है कंप्यूटर, वो भी मांग सकते हो। किसी तरीके की रिपोर्ट मांग सकते हो, और कोई भी सैंपल मांग सकते हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास, पब्लिक अथॉरिटी के पास अगर कोई सैंपल है तो आप वो भी मांग सकते हो, और मॉडल्स भी मांग सकते हो। नाउ व्हाट इज मॉडल, तो मान लीजिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई काम कर रही है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, पब्लिक अथॉरिटी कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, तो बहुत बार नहीं वो लोग पहले रॉ मॉडल बना लेते हैं, है ना, थर्माकोल का मॉडल बना लेते हैं कि कैसा दिखेगा, उसके बाद फिर एक्चुअल में काम करना शुरू करते हैं। तो पहले मान लीजिए कोई फ्लाईओवर बन रहा है, तो फ्लाईओवर बन रहा है तो पहले वो थर्माकोल से या एक रफ मॉडल बना लेंगे ना, वो फ्लाईओवर कैसा बनेगा, आप वो उसका मॉडल भी देख सकते हो। तो इतनी तरीके की इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इंफॉर्मेशन की, क्लियर। तो किससे मांगोगे, पब्लिक अथॉरिटी से मांगोगे, क्या मांगोगे, इंफॉर्मेशन मांगोगे। पब्लिक अथॉरिटी कहां डिफाइंड थी, चलो जल्दी, पब्लिक अथॉरिटी कहां डिफाइंड थी, सेक्शन 2 क्लॉज एच में। क्या मांगने गए थे, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मांगने गए थे कहां डिफाइंड थी, सेक्शन 2 क्लॉज एफ में। नाउ यू हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन तो मांग ली कि हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए, अब वो सामने वाला देगा कैसे। चलो आपने बोला मेरे को ये रिपोर्ट देखने की है, बराबर, आप गए पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिस में, वहां पर किससे मिलोगे, पीआईओ से, बराबर, पीआईओ से आप मिले, आपने बोला चलो ये इंफॉर्मेशन बताओ, उसने बता दी, अब क्या करोगे। सो यू हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन, एंड अ राइट टू इंफॉर्मेशन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज जे। पब्लिक अथॉरिटी कहां डिफाइंड था, सेक्शन 2 क्लॉज एच में। क्या मांगने गए थे, पब्लिक अथॉरिटी कहां डिफाइंड था, सेक्शन 2 क्लॉज एच में। क्या मांगने गए थे, इंफॉर्मेशन कहां डिफाइंड था, सेक्शन 2 क्लॉज एफ में। नाउ यू हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन सेक्शन 2 क्लॉज आई, यू हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन सेक्शन 2 क्लॉज आई। अब ये क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन मींस द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट व्हिच इज हेल्ड और बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक एंड इंक्लूड द राइट टू टेकिंग नोट्स। पब्लिक अथॉरिटी के पास जो इंफॉर्मेशन है आप उसको नोट्स के फॉर्म में ले सकते हो, मतलब लेट से आप पब्लिक अथॉरिटी के पास जाते हो और बोलते हो मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, रिकॉर्ड देखने, उन्होंने रिकॉर्ड दिखाए, आप वो रिकॉर्ड में से अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हो, यू हैव अ राइट। वो ये मना नहीं करेगा, नहीं नहीं सिर्फ देख लो, लिखने नहीं दूंगा, आप उसके रिकॉर्ड में से, आप अपने रजिस्टर में, आप अपनी बुक में नोट डाउन कर सकते हो, यू हैव अ राइट टू ऑफ टेकिंग नोट्स। एक्सट्रैक्ट्स, आप एक्सट्रैक्ट ले सकते हो, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, उसमें से कुछ पार्ट चाहिए वो भी मिलेगा। और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड, आपको किसी डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड का सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, मतलब फोटो कॉपी चाहिए, तो वो भी वो देगा, वो मना नहीं करेगा। पब्लिक अथॉरिटी आपको ये नहीं बोल सकती नहीं 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 बस देख लो, हम जेरोक्स नहीं, फोटो कॉपी नहीं लेने देंगे, नहीं। सो यू हैव अ राइट ऑफ टेकिंग नोट्स, यू हैव अ राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप उसके पास इंफॉर्मेशन मांगने गए, आप नोट्स बना सकते हो उससे, आप एक्सट्रैक्ट ले सकते हो कि मेरे को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, इसमें से इतनी ही चाहिए, या आप उससे सर्टिफाइड कॉपीज ले सकते हो, सर्टिफाइड कॉपीज यानी फोटो कॉपी ले सकते हो। इंस्पेक्शन ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, आपको पब्लिक अथॉरिटी का कोई वर्क इंस्पेक्ट करना है, बराबर, आपको पब्लिक अथॉरिटी का कोई वर्क इंस्पेक्ट करना है। वर्क इंस्पेक्ट करना है मतलब लेट से पब्लिक अथॉरिटी कोई ब्रिज बना रही थी, आपने बोला मुझे देखने का है सही बन रहा कि नहीं, यू हैव अ राइट
आप बिल्कुल पब्लिक अथॉरिटी को बोलो, वो दिखाएगा कि उसका काम कैसे चल रहा है। किसी रिकॉर्ड को, किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना है, आपको कुछ चाहिए नहीं, बस मुझे एक बार देखना है, यू हैव अ राइट। इसलिए इंस्टीट्यूट को, आईसीएसआई को, क्योंकि आईसीएसआई पब्लिक अथॉरिटी है, मेड बाय पार्लियामेंट ऑफ लॉ है। अभी अपन ने देखा, अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना के किया है, अगर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है तो वो पब्लिक अथॉरिटी, आईसीएसआई के लिए लॉ बनाया गया। आपने एग्जाम लिखा, बराबर, आपने एग्जाम लिखा, अब आपको लगता है आंसर कम मिले, तो क्या आप जाके आपकी आंसर शीट को इंस्पेक्ट कर सकते हो कि मुझे मार्क्स कहां कम मिले? बिल्कुल, आप जाइए आईसीएसआई की वेबसाइट पे, आपको मिलेगा। यू हैव अ राइट ऑफ इंस्पेक्शन। आप डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड, आंसर शीट क्या है, डॉक्यूमेंट ही है ना, रिकॉर्ड ही है ना, आप जाके बिल्कुल इंस्पेक्ट कर सकते हो। टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल, आपको लगता है ये जो ब्रिज बना रही है पब्लिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये जो ब्रिज बना रहा है, इसका सीमेंट का सैंपल चाहिए, क्या आप मांग सकते हो? बिल्कुल, और वो देगा। टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्किट्स। डिस्क आती थी पहले, चलती थी, आजकल तो पेन ड्राइव का जमाना आ गया, पहले डिस्किट्स चलती थी, डिस्क होती थी, कंप्यूटर में से अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो डिस्क में मिलती थी। फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियो कैसेट और इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड और थ्रू प्रिंट आउट वेयर सच इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर एंड एनी डिवाइस। अगर कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर्ड है, अगर कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर्ड है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को डिस्क में मांग सकते हो, फ्लॉपी में मांग सकते हो, टेप में मांग सकते हो, वीडियो कैसेट में मांग सकते हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब आप बोल सकते हो मुझे सीडी में दो, पेन ड्राइव में दो, पब्लिक अथॉरिटी वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेगा। बराबर, तो देखो किससे मांगने जाओगे, पब्लिक अथॉरिटी से मांगने जाओगे। क्या मांगने जाओगे, इंफॉर्मेशन मांगने जाओगे, और वो इंफॉर्मेशन, यू हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन, तो उसका क्या क्या कर सकते हो, यू कैन टेक नोट्स। बराबर, यू कैन टेक नोट्स, टेकिंग नोट्स, आप उसका एक्सट्रैक्ट ले सकते हो। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स का आप सर्टिफाइड कॉपीज भी ले सकते हो। आप जाके पब्लिक अथॉरिटी का वर्क को इंस्पेक्ट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हो, रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो। ये मैंने आपको रे चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। बिल्कुल, राइट टू इंफॉर्मेशन में आपके पास टेकिंग सैंपल्स ऑफ द मटेरियल, पब्लिक अथॉरिटी जो मटेरियल यूज कर रही है आप उसका सैंपल भी ले सकते हो। इंफॉर्मेशन बाय डिस्क, अगर कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर्ड है तो आप पब्लिक अथॉरिटी को बोल सकते हो कि इंफॉर्मेशन मुझे डिस्क में दी जाए, फ्लॉपीज में दी जाए, टेप्स में दी जाए, कैसेट्स में दी जाए, या इलेक्ट्रॉनिक मोड लाइक पेन ड्राइव में दी जाए, प्रिंट आउट दी जाए। क्लियर, इतना सब आपको राइट दे दिया गया। क्लियर हुआ यहां तक, राइट टू इंफॉर्मेशन। उसके बाद अभी मैंने बोला, जब आप पब्लिक अथॉरिटी के पास इंफॉर्मेशन मांगने जाओगे तो यू हैव अ राइट कि आप रिकॉर्ड्स देख पाओ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्ड्स, आप पब्लिक अथॉरिटी के पास जब इंफॉर्मेशन मांगने गए तो आपके पास राइट है ना कि आप पब्लिक अथॉरिटी के पास जो रिकॉर्ड्स है उनको चेक कर सकते हो। तो रिकॉर्ड यानी क्या, रिकॉर्ड वर्ड को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज आई में। कहां डिफाइन किया गया फ्रेंड्स, सेक्शन 2 क्लॉज आई में। बराबर, कैसे डिफाइन किया गया, रिकॉर्ड्स इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड कहलाएगा। मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हैंड रिटन, होते ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैंड रिटन होते हैं, कंप्यूटर से नहीं बने या टाइपराइटर से बने, हैंड रिटन, दैट इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। तो अगर कोई कोई भी चीज मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्म में, हैंड रिटन फॉर्म में, तो वो भी रिकॉर्ड है, आप उसको भी चेक कर सकते हो, किसी भी तरीके की फाइल। बराबर, अगर कोई फाइल है किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास, उसे भी रिकॉर्ड बोला गया है। एंड रिकॉर्ड इज वॉट, रिकॉर्ड इज एन इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो। आर यू गेटिंग इट? देखो, आप पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, इंफॉर्मेशन मतलब रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्ड, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट, किसी भी तरीके का मैन्यूस्क्रिप्ट, कोई भी फाइल, ये सब रिकॉर्ड्स हैं, और रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश और फैसिमाइल कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अब ये क्या था, पहले आपने देखा होगा कि एनालॉग का कैमरे चलते थे, आजकल तो डिजिटल कैमरे आ गए है ना, पहले एनालॉग कैमरे चलते थे जिसमें नेगेटिव्स आते थे, देखा था ना, रील आती थी, दैट इज कॉल्ड माइक्रोफिल्म या माइक्रोफिश। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन माइक्रोफिल्म या माइक्रोफिश में है, वो नेगेटिव्स में है, तो उसे भी क्या बोला जाएगा, रिकॉर्ड बोला जाएगा। बराबर, फैसिमाइल कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट फैक्ट्स के फॉर्म में है, अगर कोई डॉक्यूमेंट फैक्ट्स के फॉर्म में, फैक्ट्स में, फैक्ट्स के फॉर्म में रखा गया है कोई डॉक्यूमेंट, तो उसे भी रिकॉर्ड बोला जाएगा। बराबर, एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज और इमेजेस एम्बॉयडेड इन सच माइक्रोफिल्म, अगर कोई भी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज, मतलब जो इंफॉर्मेशन है ना वो माइक्रोफिल्म में थी, वो नेगेटिव में थी,
बराबर नेगेटिव में थी, पहले चलते थे ना एनालॉग, उसको आपने रिप्रोड्यूस करके क्या बनवा ली, फोटो बनवा ली, तो वो फोटो भी रिकॉर्ड है और वो भी आप ले सकते हो। एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस, कोई इंफॉर्मेशन अगर कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहा है, आप कंप्यूटर कैसे प्रोड्यूस करेगा, प्रिंट आउट के फॉर्म में, कंप्यूटर कैसे प्रोड्यूस करेगा, प्रिंट आउट के फॉर्म में, तो वो प्रिंट आउट भी क्या बोल दिया गया, रिकॉर्ड बोल दिया गया। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझिए, देखिए आप इंफॉर्मेशन किसके पास मांगने गए, पब्लिक अथॉरिटी के पास मांगने गए, बराबर। पब्लिक अथॉरिटी कहाँ डिफाइन थी, सेक्शन 2 क्लॉज एच में। क्या मांगने गए, इंफॉर्मेशन मांगने गए, वो कहाँ डिफाइन था, सेक्शन 2 क्लॉज एफ में। यू हैव अ राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगी उसका आप नोट्स बना सकते हो, एक्सट्रैक्ट ले सकते हो, सर्टिफाइड कॉपीज मांग सकते हो, वर्क को इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कहाँ डिफाइन था, सेक्शन 2 क्लॉज जे में। और आप उनके रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो, पब्लिक अथॉरिटी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो चेक कर सकते हो, रिकॉर्ड्स कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज आई में, बराबर। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो फ्रेंड्स सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन अपन ने समझ ली, उसके बाद अपन ने इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन समझ ली, उसके बाद अपन ने राइट टू इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन समझ ली, और उसके बाद अपन ने रिकॉर्ड्स की डेफिनेशन समझ ली। तो रिकॉर्ड्स की डेफिनेशन देखिए मैंने रे चार्ट फॉर्म में बनाई है, ये आपको बना लेना है। रिकॉर्ड मीन्स क्या, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट, कोई भी फाइल, कोई भी माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच, फेसिमाइल कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिच तो मैंने आपको समझा दिया, जो पहले नेगेटिव रील्स चलती थी, आप अपने पेरेंट्स से पूछेगा, पहले एनालॉग कैमरे आते थे, आजकल तो डिजिटल कैमरा आ गया है ना, पहले एनालॉग कैमरे आते थे उसमें रील लगती थी जिसको नेगेटिव बोलते थे, दैट इज कॉल्ड माइक्रोफिल्म माइक्रोफिच। अगर वो रील में कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड है तो वो भी रिकॉर्ड मानी जाएगी। या अगर कोई डॉक्यूमेंट फैक्स के थ्रू है, फेसिमाइल कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट फैक्स के थ्रू बनाया गया है, फैक्स होते हैं ना, फैक्स होता है ना, अपन फैक्स कर देते हैं पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को, वो भी रिकॉर्ड माना जाएगा। रिप्रोडक्शन ऑफ इमेजेस एम्बॉयडेड इन माइक्रोफिल्म, जो माइक्रोफिल्म में इमेज थी, जो वो नेगेटिव में आपने एनालॉग कैमरे से कोई फोटो खींची तो वो माइक्रोफिल्म में आ गई, अब आपने उसको रिप्रोड्यूस करा लिया, फोटो बनवा ली, तो वो भी रिकॉर्ड माना जाएगा। या एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस, अगर कोई भी मटेरियल कंप्यूटर ने प्रोड्यूस किया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने प्रोड्यूस किया, सो फॉर एग्जांपल टाइपराइटर से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, बराबर, या फिर प्रिंट आउट लिया हुआ डॉक्यूमेंट, ये सब रिकॉर्ड्स माने जाएंगे। क्लियर? तो ये इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी डेफिनेशन डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज एन में, जो अपन आगे जाके समझेंगे, अभी मैं नहीं समझा रहा हूं, जब मैं आपको थर्ड पार्टी के कॉन्सेप्ट पे लेकर जाऊंगा तब मैं आपको थर्ड पार्टी समझाऊंगा। सेक्शन 3 क्या बोलता है, ऑल सिटीजन शैल हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, क्या लिखा है देखो, सेक्शन 3 बोलता है ऑल सिटीजन शैल हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन। ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, जब शुरुआत करी थी आरटीआई की तभी मैंने आपको बता दिया था कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में किसके पास राइट है, किसके पास पावर है कि वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है, सिटीजन के पास। तो भारत के सभी नागरिकों को अधिकार है कि वो पब्लिक अथॉरिटी से क्या मांग सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं।